योगी आदित्यनाथ। एक ऐसा नाम जिसका भौकाल और रुतबा इतना है कि पसंद करने वाले तो उनका गुणगान करते ही हैं, नापसंद करने वाले भी एक बात मानते हैं कि उन्हें मौजूदा वक्त की राजनीति में अनदेखा नहीं किया जा सकता। सांसद से सीएम होने तक योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी किया है वो बेहद दिलचस्प रहा है और वो अपराजेय योद्धा अभी तक रहे हैं। १९९८ से जो कारवां योगी आदित्यनाथ का चला उसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं रही। गुरु महंत अवैधनाथ ने 1998 में अपनी जगह योगी आदित्यनाथ को जब गोरखपुर से लोकसभा चुनाव लड़वाया तब 26 साल की उम्र में जीत दर्ज करके योगी आदित्यनाथ लोकसभा पहुंच गए और लोकसभा में जब उन्होंने संस्कृत में शपथ ली तो सबको पता चल गया था कि हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने के लिए एक शख्स आ चुका है। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नामना सपे यदहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्ये यदहम भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नतां अखंडतां च रक्षयिष्यामि तथा यत्पदं गृहीतुमहं मदस्मि तस्य कर्तव्यामि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। बस 1998 के बाद से ही लगातार गोरखपुर लोकसभा सीट पर योगी का जलवा रहा। योगी आदित्यनाथ अपनी कट्टर हिंदूवादी छवि की वजह से बुलंदियों पर पहुंचते गए। राजनीति में पहचान बनी तो उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन कर दिया। फिर तो 1999, 2004, 2009, 2014 में भी गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ का परचम लहराया और लगातार 5 बार जीत दर्ज करके दिल्ली पहुंचे और लोकसभा में दहाड़े। 5 बार लगातार सांसद बने योगी आदित्यनाथ। 1998 में पहली बार जीत दर्ज की, कुल 2,68,428 वोट मिले। 1999 में फिर चुनाव हुए, 2,67,382 वोट पाकर योगी फिर विजयी हुए। 2004 के आम चुनाव में 3,53,647 वोट हासिल कर जीत की हैट्रिक लगाई। 2009 के इलेक्शन में 4,03,156 वोट योगी को मिले, एक बड़ी जीत यहाँ भी हासिल की। 2014 में 5,39,127 वोट योगी आदित्यनाथ के हिस्से में आई, ये योगी की लगातार 5वीं जीत थी। सत्ता में बीजेपी आई, पीएम बने नरेंद्र मोदी। पांच बार सांसद रहने के बाद सीएम योगी ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में अपना दम दिखाया और मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक दी। 2017 में बीजेपी ने शानदार तरीके से जीत दर्ज की और सत्ता में वापसी की। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम, बीजेपी ने इस चुनाव में 312 सीटों पर जीत हासिल की, बहुमत से ज्यादा सीट जीतकर सत्ता में बीजेपी ने वापसी की। दूसरे नंबर पर 47 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी रही। तीसरे नंबर पर 19 सीटों के साथ बीएसपी रही। कांग्रेस को 7 सीट मिली। 2017 में बीजेपी को बड़ी जीत मिली तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी में बड़ी माथापच्ची भी चली। आखिरकार बड़ी लड़ाई के बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। एमएलसी कोटे से योगी आदित्यनाथ विधानसभा पहुंचे और यूपी में गूंजा, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्य रखूंगा।
मतलब योगी आदित्यनाथ का भौकाल यूपी में बुलंद हुआ और वो सूबे के मुखिया बन गए। इसके बाद 2022 में जीत दर्ज करके उन्होंने इतिहास रचा, बीजेपी की सत्ता में वापसी कराई और फिर से सीएम बने। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ भी चुनावी मैदान में उतरे और पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के लिए सीट चुनी गोरखपुर सदर, यानी अपने गढ़ में वो वापस गए। लेकिन इस बार सांसद नहीं विधायक बनने, जनता ने सीएम योगी को दिल खोल कर वोट किया और विधायक बना दिया। 2022 गोरखपुर विधानसभा चुनाव का परिणाम, योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े, सीएम योगी को 1,64,170 वोट मिले, ये कुल 66.18% वोट था। दूसरे नंबर पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रहे, उन्हें महज 7,543 वोट मिले। सीएम योगी प्रचंड जीत दर्ज करके पहली बार विधायक बने और दूसरी बार सीएम। इस जीत ने योगी आदित्यनाथ के कद को और ज्यादा बढ़ा दिया और यूपी के परिणाम ने विपक्ष के होश उड़ा दिए। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव के परिणाम, बीजेपी ने इस चुनाव में 255 सीटों पर जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर 111 सीट जीतकर समाजवादी पार्टी रही। बीजेपी की इस जीत ने सीएम योगी को यूपी का बॉस बना दिया। मतलब सीएम योगी ने 1998 से 2014 तक 5 बार लगातार लोकसभा चुनाव लड़ा और हर बार शानदार जीत हासिल करके सांसद बने। उसके बाद जब विधानसभा में उतरे तो वहां पर भी अपना भौकाल बुलंद किया। 2017 में एमएलसी बनने के बाद 2022 में विधायक बनकर ये बता दिया कि योगी आदित्यनाथ मतलब जीत की 100% गारंटी, जिन्हें हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नामना सपे यदहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारिष्ये, यदहम भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नतां अखंडतां च रक्षयिष्यामि, तथा यत्पदं गृहीतुमहं प्रतिमास्मि तस्य कर्तव्यामि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि।